हेलो एवरीवन, मैं वजह हसन यानी कि आपका अपना सुनियो। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 5th of January की, जिस दिन मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट सिंगल रिलीज किया था, जब से मिली है। जब मैंने वो गाना रिलीज किया था तब तक आप लोग इस बात को नहीं जानते थे कि मेरी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर ऑलरेडी है। आपकी तरफ से उस गाने पर जो कॉमेंट्स आए थे ढेर सारे, मतलब बहुत सारे लोगों ने तो कुछ सोचा ही नहीं, सीधा मेरा अफेयर चला दिया। आफ्टर ऑल सुनियो को गर्लफ्रेंड मिल ही गई है, अभिजीत साहब ने तो कह दिया। लेकिन इसके बाद सदफ ने जो मेरी पिटाई की थी ऐसे कमेंट्स पढ़ने के बाद, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब ये देखो देवांजन जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द गर्ल इज वेयरिंग पिंक, शिजुका आल्सो वेयर्स पिंक। हे भगवान, ये क्या हुआ, सुनियो ने शिजुका को पटा लिया। अबे भाई, वो मॉडल थी लेकिन तेरे इस कमेंट ने मुझे पिटवा जरूर दिया था। तो वो सारी चीजें देखकर यार सदफ का थोड़ा दिल टूटा था। पार्टनर को किसी और के साथ कोई लिंकअप करता है तो यार लड़की का थोड़ा दिल तो दुखेगा ना। उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। जी हाँ, मुझे एक्स्ट्रा वाली प्यार मोहब्बत की बातें होती है ना, डिशम डिशम वाली, वो मुझे आज तक याद है और जख्म आज तक ताजा है उसके। 2 दिन पहले मेरे पास उस गाने के फोटो शूट के कुछ फोटोज आए और आप में से बहुत सारे लोग ये कह भी रहे थे कि सदफ का रिएक्शन वीडियो चाहिए जब से मिली है के ऊपर। तो फोटो शूट की फोटो पर और म्यूजिक वीडियो पर आज हम सदफ का रिएक्शन लेने वाले हैं। हालांकि मैं याद नहीं करना चाहता वो दर्दनाक मंजर, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में। बिनोमो ऐप एप्पल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड के प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है और इस ऐप के जरिए आप गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ऐप में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस स्टॉक्स की वैल्यू को फोरकास्ट करना होता है और अनुमान लगाना होता है कि समय के अनुसार वो स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। देखो, जैसे कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि इस स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, तो मैं इसमें फोरकास्ट अप पर कर देता हूं। आप थोड़ा सा वेट करते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट बिल्कुल ठीक निकला। इसमें जो आपके पैसे होंगे उसको आप 24 आवर्स के अंदर पेटीएम या फिर अपने बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस ऐप का मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है और हमारा प्रोमो कोड यूज करने पर आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अगर आप बिनोमो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपके डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए आएंगे, जिस पैसे से आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और तरह तरह की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से बिनोमो डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो अब सदफ को बुलाते हैं। गाइज, फाइनली मैंने सदफ को बुला लिया है और सदफ को अब मैं वो बात बताने वाला हूं जो अभी मैंने आपको बताई है। तो बात यह है कि जब से मिली है कि टाइम पर मैंने एक फोटोशूट भी करवाया था और वो फोटोज मेरे पास अब आई हैं। जी हाँ, 6 महीने के बाद आई हैं और आज मैं उन फोटोज पर आपका रिएक्शन लेने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बताइए, आपकी टोपी कहाँ है? अरे हाँ, मैं अभी भी टोपी पहना था। टोपी बनाने का काम तो तुम्हारा होता है ना। अच्छा? So, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, सबसे पहली फोटो ऑब्वियसली दिखाना शुरू कर रहा हूँ। तो पहली फोटो दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरे हाथ में लैपटॉप और ये लैपटॉप मेरे डैड यूएस से लेकर आए थे। अरे बस कर भाई। So, अब मैं सदफ को दिखाने वाला हूँ हमारी पहली फोटो। सो गाइज, ये रही हमारी पहली फोटो और ये फोटो आई है हमारी मॉडल की। जी हाँ। सो हमारी मॉडल के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है आपको, हमारी मॉडल कैसी लगी थी? अच्छी थी आपकी मॉडल, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर मेरी तरह वजनदार नहीं थी। ये तो सही है। मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं नहीं नहीं, हमने मतलब तो मतलब अच्छी नहीं थी। ना ना ना, अरे ना, अरे ना, अरे ना, ना। वजनदार बोला, वजनदार का मतलब ये कि डोले भाई दिखा दे, डोले ये इसके वजन की बात कुछ और। मतलब ये था नहीं, नहीं हम समझ गए, यही मतलब था। हाँ, वो तो सबको यही लगता है। तो आप चलते हैं सेकंड फोटो की तरफ, ये देखो। सो कैसा लग रहा है हमारी मॉडल जी का ये लुक ऊपर देखने वाला? उसकी मर्जी, वहां पे लाइट थी एक्चुअली, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट उसकी आंखों में करा के जो फोटोग्राफर था उसका रिएक्शन लेना था, इसलिए ऊपर देख रही है, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते हैं आप सेकंड फोटो की तरफ, मतलब थर्ड फोटो की तरफ। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ और अब मामला थोड़ा खराब हो सकता है क्योंकि मुझे याद है थर्ड फोटो कौन सी थी। खत्म। ये देखिए, कैसी लगी फोटो? मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। A few inches later, 132। ये क्या? क्या? ये कैसे देख रही है? ये ऐसा नीचे क्यों देख रही है? वो उसका वो था, पोज था। इतनी शर्मा के देखना। हाँ हाँ, तो वो फोटोशूट का पोज था, जो फोटोग्राफर ने बोला वही उसने किया। सो
there's nothing wrong in it. Boy. ये रही हमारी next photo. कैसी है? इसमें आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसने फोटोग्राफर ने बोला था ना पिछली फोटो में मुस्कुरा नहीं रहा था, तो उसने बोला था थोड़ा स्माइल दे दो. तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम होता है, तो ज़रूरी होता है. ऐसे क्यों खड़े हो तुम मिलके? मिलके? अरे वो पोज दिया था उसने, फोटोग्राफर ने पोज दिया था कि वो बैक से बैक में लाके ऐसे करके खड़ा होना है. तू खड़ी हो जा, तू खड़ी हो जा. तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, आप ऐसे खड़े. अबे तो तू मॉडल थोड़ी था, तू वजनदार है ना, इसलिए जब तेरा वजन थोड़ा कम हो जाएगा तब तो जब मॉडल लूंगा तब हम ऐसे खड़े होंगे. चल अभी उनके सामने खड़े होकर दिखा दे, हम भी ठीक लग रहे हैं ना, बताना कमेंट्स में. चलो अगली फोटो में चलते हैं. जी क्या कर रहे हो आप, हाथ क्यों पकड़ा है? अरे भाई पोज देना था, गाने में भी तो पकड़ा था ना. हाँ पकड़ा था लास्ट में, वो बाद में बात करेंगे. तो पोज देना होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोज देने होते हैं. फोटो कैसी लग रही है? फोटो के बारे में रिव्यू ले रहा हूँ मैं, बस ठीक है. ठीक है हाँ. अच्छा ज्यादा मजा नहीं आया. चलो अब अगली फोटो पे चलते हैं. ये देखो कैसी लगी ये फोटो. वेल डन. क्या बताऊँ आपको, वही जो सोचो इस फोटो को देख के आप. क्या सोचूं, अच्छी खासी तो फोटो है. ये देखो इसको इतना बड़ा फ्लावर पॉट दे रखा है. फ्लावर पॉट नहीं है वो, घास फांस है, वो भी नकली है, आर्टिफिशियल है. मुझे आपने एक भी पत्ती नहीं दी आज तक. अरे तो ठीक, पत्ती चाहिए. आप दो ना. पत्ती क्यों चाहिए पूरा? अभी इसलिए बोला ना, पत्ती नहीं दी, पत्ती चाहिए तेरे को. मैं पत्ती अभी देता हूँ तेरे को लाके, चिंता मत. पत्ती तो मैंने बोला ऐसी. हाँ क्या चाहिए, डोरेमोन चाहिए तेरे को? ये ले डोरेमोन, ले डोरेमोन. चलो अगली फोटो पे चलते हैं. ये फोटो कैसी लग रही है? ये कैसे देख रहे हो आप, मुझे तो नहीं देखा ऐसे. अबे वो पोज है भाई, तेरे को नहीं देखा, तेरे को क्यों देखूंगा मैं ऐसे. गया मेरा मतलब है कि वो फोटोग्राफर बोलता है कि ऐसे ऐसे पोज बनाओ, मैं खुद नहीं बना रहा, वो बोल रहा है मुझे बनाने के लिए. ये आप कैसे देख रहे हो, एकदम दीवानों की तरह. हाँ हाँ तो गाने की डिमांड थी ना, वो दीवाना होना था. मुझे देख के दिखाओ. वो नहीं आ रहा अभी. अच्छा? अभी नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. नहीं, चेंज द टॉपिक. ये रही हमारी लास्ट फोटो. कैसी है यार, आपने सारे टेलीफोन के साथ फोटो खिंचवा रखे हैं, नंबर ही ले लेते ना इसका. नंबर लिखी 9 8 9 7 1, उसके आगे डम डी का डम डम डम, क्योंकि हम तो रेची आती है. अरे नंबर नंबर है मेरे पास. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए. हाँ तो नंबर से बात कर लेते. हाँ तो अरे वो छोड़ो. क्या छोड़ो, कुछ बोलने को वजह नहीं आपके पास. गाने का भी रिव्यू ले लेते हैं. याद है जब गाना आया था और गाने के नीचे कमेंट्स आपने पढ़े थे और गुस्सा किया था मेरे ऊपर, है ना? तो अभी सेम वैसे रिएक्ट करने की कोशिश करना, और गाना देखना और गाने को वैसे ही देखना जैसे 6 महीने पहले देखा था. ठीक है? ओके चलो लेट्स गो. आपको क्रिकेट खेलना आता है? हाँ भाई आता है, तभी तो खेल रहा हूँ. अच्छा बॉलिंग नहीं देखी मेरी, क्या मस्त बोल डालता हूँ मैं. ये गेंद गई है. आता भी दिया आपको? आता है. देखो जब से मेरी है धड़कन थम सी है, इसी की वजह से क्रिकेट खेला होगा. हाँ मेरा ठिकाना हो गया, कैसे समझाऊं, कैसे तुझको बताऊं, मैं अच्छा खासा था तेरा दीवाना. यहाँ पर ना हमारे जो डायरेक्टर था उसने बोला था कि आप लोग कुछ भी बोलो और हमें शूट करना है. तो वहाँ पर ना वो कुछ बोल नहीं रही है, वो आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ बोल रही है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी. ऐसे बोल रही है, ऐसे कुछ बोलो तो धीरे धीरे बोल रही है. वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो चिल्ला रही है. हाँ अबे साले नहीं नहीं आ रहा. वो अच्छा कर रही है, गजब बेइज्जती. सो ये सीन था. चलो आगे चलते हैं. तो डांस करने में भी दिक्कत है क्या? करना पड़ेगा ना भाई. मैं Later that same evening. समझ सकते हो तुम लोग? ठीक है ना आगे चलो. पहली नजर का पहला प्यार हो गया,
जहाँ से भी प्यारा मेरा यार हो गया, पहली नजर का पहला प्यार हो गया। देख के तुझे चैन मिल जाए। क्या देख कैसे रहे हो उसे? भाई सीन की डिमांड थी, उसी की वजह से इतना तैयार हुए हो क्या? अरे वो तो लोगों ने तैयार किया था मुझे। सजना है मुझे सजना के लिए। अभी जैसे मैंने खुद अपने आप को तैयार किया है। तीन शर्टें बदली हैं आपने। जली ना तेरी भी जली ना। वो भाई सीन था, डिमांड थी उस शॉट की, इसलिए किया। मतलब नो इंटेंशन ऑफ दैट काइंड। आपने ऐसे मुझे नहीं देखा आज तक। अब मैं कैसे देखूं ऐसे? तेरे को स्कूटी चलाना आता है? नहीं आता है। स्कूटी चलाना आता तभी देख। हाँ जब स्कूटी चलाना आ जाएगा तब देख लूंगा ऐसे। ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो दुनिया हिल जाए, जिस राह तू चले उस रास्ते पे चलूं, जो तू रुक जाए मैं वक्त रोक दूं, तेरी ही कमी बस एक तेरी। बाइक कितनी मस्ती से चला रहे हो? मस्ती से चलाऊंगा नहीं तो मेरे एक्सप्रेशन अच्छे कैसे आएंगे कैमरा में? हाँ वैसे ही बुलेट चलाना आपको बहुत पसंद है। हाँ मेरी फेवरेट है। चलो तेरे बिन मेरी आँखों में छाई है नमी, अल्लाह मेरा जीना दुश्वार हो गया, पहली नजर का पहला प्यार हो गया। अरे मेरे को याद आ रहा है गाना पुराना, मेरे जो दिन थे इतने अच्छे, मैंने जाकर उना हिमाचल में शूट किया था, वो याद आ रहा है मुझे। हंस भी नहीं सकता मैं। कुछ और याद आ रहा है? कुछ और याद नहीं आ रहा है, गाना याद आ रहा है भाई। तू गाना देख ले, अभी सचमुच का गुस्सा नहीं करना, कैमरा ऑन है। तो इतना दूर आके रुकी थी। काम कुछ मुझसे अब होता ही नहीं। ये बंदा हाँ। इसको मैं भी नहीं जानता। ये तभी वहाँ पर आया था। हाँ? वो जो लोग लेटे हैं कहाँ लेटे हैं? अच्छा वो हाँ, ये बंदा भी मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन ये भी हमारे क्रू में से था, जो शूटिंग क्रू था ना। हाँ। उसमें से बंदा था। इसको जबरदस्ती लिटा रखा था, मतलब इसको सिर्फ दिखाना था कि वो हॉस्पिटल एक्चुअली हॉस्पिटल है। एक्चुअली हॉस्पिटल वो था, लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर पेशेंट उस फ्लोर पर नहीं थे। अच्छा। तो हमने ऐसे शूट किया था इसको। आगे जादू है तेरा, मुझको लगता मुझ पे ही काबू ना है। इमेजिन कर रहा था ना मैं तेरे को, उसमें मैं दिख रही थी आपको। हाँ उसको देखकर मैं तेरे को इमेजिन कर रहा था। मैं देख रहा था मेरी सदफ कितनी अच्छी है। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। ऐसे अभी नहीं देख पाऊँ। वो नहीं, जब हम लोग म्यूजिक वीडियो बनाएंगे ना तब देखूंगा, फिलहाल उसको देखते हैं। सदियों सा लंबा इंतजार हो गया, पहली नजर का पहला प्यार हो गया, जहाँ से भी प्यारा मेरा यार हो गया, पहली नजर का पहला प्यार हो गया, जहाँ से भी प्यारा मेरा यार हो गया। ये कैसे नाच रहे हो बत्तख की तरह? किसकी तरह? जैसे बत्तख नाचती है ना ऐसे। बत्तख को कहाँ देखा तूने नाचते हुए? हाँ चलती जरूर है, ऐसे चलती है ना। ओए अगर किसी ने कमेंट किया ना टेढ़ा, मेरे को बत्तख वाला डांस मत बोल देना कोई, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे फील में जो आया मैंने कर दिया यार। तो इतना एक बार करके दिखाना। चल आगे चलते हैं, मेरे को ट्रोल मत कर, ये तो मेरे को रोस्ट करने पे लगी है भाई। लिखा 5 PM है, मिल रात में रहो। एक्चुअली शूट करते करते ना रात हो गई थी, और फिर हम मिले रात में, और ऑब्वियसली तब शूट पर हम लोग वो टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकते थे, तो ये सीन हुआ था। ठीक है आगे चलते हैं।
एंड सीन आ रहा है अभी। एक मिनट। हाँ। पट्टी कहाँ है आपकी? कौन सी पट्टी? हाथ की पट्टी? हाँ। वो हम लगाना भूल गए थे। ये भी एक छोटा सा फ्लॉ था इस वीडियो में, हमने पट्टी नहीं लगाई और मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे मेरे को चोट लगी हुई हो। तो चोट लगी है तो पट्टी तो होनी चाहिए ना वहाँ पर, लेकिन नहीं थी। सो यस, ये भी इसने तब पकड़ा था। अच्छा ये बताओ, ये गाना बनाया किसके लिए था? मॉडल नहीं बोल रहा था मैं बोल रहा था आपके लिए बनाया था। और किसके लिए बनाया था? मेरे लिए बनाया था। लिखा आपके लिए था, बनाया आपके लिए था, गाया आपके लिए था, लेकिन तब मेरे सामने मॉडल थी। सो यस, सो गाइज कैसा लगा आपको हमारा ये रिएक्शन वीडियो और द वे माई वाइफ रिएक्टेड? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप किस तरह के रिएक्शन हम दोनों से लेना चाहते हो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से बताना। बहुत कमेंट सेक्शन बोल रहा हूँ, इसका मतलब ढेर सारे कमेंट्स सही है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।